आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के दुर्ग में सियासत और सिनेमा के दो दिग्गज मिले, गर्मजोशी से मिले। इन दिग्गजों की मुलाकात तो यूं ही हुई थी, लेकिन इनकी मुलाकात के बड़े सियासी मायने भी हैं। ये तस्वीर है देश के दो अलग अलग सुपरस्टार्स की, एक सियासत का सुपरस्टार, दूसरा रुपहले पर्दे का चमकता सितारा। चेन्नई में जब नरेंद्र मोदी रजनीकांत के घर पहुंचे, तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। आमतौर पर हाफ स्लीव का कुर्ता पहनने वाले मोदी यहां पूरे बांह का भगवा शर्ट और सफेद धोती में नजर आए। मोदी ने रजनीकांत को घर जाकर तमिल नववर्ष की बधाई दी। यहां बंद कमरे में मोदी और रजनीकांत के बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तमिलनाडु के लोग, खासकर युवाओं के बीच रजनीकांत का जबरदस्त क्रेज है। बीजेपी 6 पार्टियों के गठबंधन के बूते तमिलनाडु की सियासत में पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। इस लिहाज से मोदी और रजनीकांत की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि रजनीकांत मोदी को अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अभी तक दक्षिण के इस सुपरस्टार ने मोदी के पक्ष में कोई अपील जारी नहीं की है।